असली मुद्दों की जो राजनीति होती है वो आपके मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। वो पानी का मुद्दा है, वो सड़क का मुद्दा है, वो सफाई का मुद्दा है, वो पढ़ाई का मुद्दा है, वो आपकी दवाई का मुद्दा है जो इतनी महंगी हो गई है, वो आपके कपड़े लत्ते रसोई का सामान आपके मकान का मुद्दा है। इन लोगों ने कोई एक इंच भी जगह में कोई बसाया हो तो बताओ पिछले 9 सालों में। हमारे समय में फिर भी डबुआ कॉलोनी में भी, 62 सेक्टर में भी, बापू नगर में भी, बहुत सारी जगहों पे, 36 गज सेक्टर 3 में भी कुछ फ्लैट्स बनाए थे जिनमें वहां के लोगों को शिफ्ट किया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रह गए जिनको हम नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम फिर से गरीब लोगों के लिए फ्लैट बनाएंगे। हमारी सरकार अगर आएगी तो जो बीपीएल कार्ड काटे गए हैं उनको दोबारा बहाल किया जाएगा। हमारी सरकार अगर आएगी तो बुढ़ापा पेंशन जिनकी कटी है उनकी दोबारा चालू की जाएगी, और ये दे रहे हैं 2700 रुपए, हम देंगे सीधे सीधे 6000 रुपए। सीधे 6000 रुपए आप लोगों को बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। हम लोग हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, ये हमारा आप लोगों से वायदा है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके देंगे जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आप लोगों को हो सके। जो ये जो फैमिली आईडी बन रही है जिसमें लोग धक्के खा रहे हैं इसको ठीक करवाने के लिए, जिसकी 2 रुपए की आमदनी नहीं है 2-2 लाख दिखा रखी है, हमारी सरकार आएगी तो इस फैमिली आईडी को खत्म कर दिया जाएगा। कोई फैमिली आईडी नहीं होगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो गरीब है वो गरीब है, उसको सहायता चाहिए तो चाहिए, हमें खट्टर के फैमिली आईडी की जरूरत नहीं है, हमें खट्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो हमारे घर की जरूरत है वो सरकार को पूरा करना होगा, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आप लोगों की जरूरत को कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी, क्योंकि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने जनमानस की राजनीति की है, साधारण लोगों की राजनीति की है, श्रमिकों की, मजदूरों की, किसानों की राजनीति की है, आप लोगों की राजनीति की है, और हम आपको अपना परिवार मानकर बैठते हैं। हमेशा आपके बीच में आते हैं, परिवार के रूप में आते हैं, और पूर्वांचल के लोग, दूसरे प्रदेशों के लोग हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। आप इस जिले की रीढ़ की हड्डी है, और अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है तो शरीर चल नहीं पाता है। अगर आप लोगों को ये सरकार कमजोर करेगी तो ये सरकार ऐसे जाएगी कि ढूंढते रह जाओगे, नजर नहीं आएगी सरकार। और आप लोगों को जो भी पार्टी आप लोगों को शक्ति प्रदान करेगी, आप लोगों के सुख दुख का ख्याल रखेगी, आप लोगों के हितों की रक्षा करेगी, उस सरकार को आप भी आगे बढ़ाएंगे, और वो देवी माँ जो आज नवरात्रे शुरू हुए हैं, देवी माँ का भी आशीर्वाद उन लोगों पे रहेगा जो आपकी मदद करेंगे, जो आपके हर सुख दुख में शामिल रहेंगे। इसी तरह